वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। तो आज है मेरे हाथ में ये मून नाइट लाइट मोशन सेंसर। ये एक लाइट सेंसर है, मतलब कि आपके मोशन को डिटेक्ट करेगा और जल जाएगा। एक सॉफ्ट लाइट है भाई। और मेरे पास जो अभी प्रोडक्ट है वो है हॉट इन ब्रांड का। ये काफी पॉपुलर ब्रांड है इन सब टाइप के गैजेट्स के लिए। इस लाइट को आप नाइट में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप सीढ़ियों को सजाने के लिए यूज करें, या फिर अपने रूम में, या फिर बच्चों को सुलाने के लिए, या फिर आप अपने बेडरूम में नाइट में अगर चाहते हैं कि आप अंधेरे में भी इंटर करें रूम, तो थोड़ा सा लाइट आपको मिलना चाहिए, है ना, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये लाइट काम करता है इंफ्रारेड सेंसर और PIR सेंसर के साथ। इसमें आपको 450 मिली एम्प आवर का लिथियम आयन बैटरी मिलता है, जो कि चार्जेबल है भाई। टाइप सी चार्जर से आप इसे चार्ज कर लें। तो चलिए इसे खोलते हैं। इसकी कीमत के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना, वहां पर मैं आपको बेस्ट बाय लिंक्स दे दूंगा जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये निकल गया सारा माल एंड मटेरियल। ये है इसका मैनुअल, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाती है जो कि आपको जरूरत है पढ़ने का। अरे कंफ्यूज मत हो यार, यहां पर है ये सारा डिटेल्स जो कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी हूं ना यार, बता दूंगा। ये है इसका चिपकाने का मटेरियल। इसमें आपको टाइप सी केबल भी मिल जाता है, टांगने के लिए एक रस्सी भी मिल जाता है भाई, काफी जबरदस्त चीज है। ये स्ट्रिंग मिल गया आपको, लाजवाब सा स्ट्रिंग। कहीं पर भी आपको अगर टांगना है तो इसका यूज कीजिए। और फिर ये जहाँ पर भी आप चिपका देंगे तो आपके ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है आपका, इसमें आपको मैग्नेट अट्रैक्शन मिलता है। देखिए तो भाई इसमें मैग्नेट दिया गया है, ठीक है, आप किसी भी लोहे पर सटाएंगे ये तो ऑटोमेटिकली ये चिपक जाएगा। जैसा कि देखो अभी मैं अपने फ्रिज के पास हूँ और मेरे फ्रिज के पास नॉर्मली अंधेरा होता है, तो मैं चाहूंगा कि एक सेंसर वाला लाइट इस फ्रिज पर लग जाए ताकि कोई भी आए ऑटोमेटिकली लाइट जल जाए। सिंपली बस वहां पर टच करो, ये चिपक जाएगा। मैग्नेट है ना भाई, मेटल में जाकर के इजिली ये चिपक गया। अब इसे स्लाइड करो, कुछ करो, ये टिकाऊ रहेगा एज इट इज। आप चाहें तो इस लाइट को स्ट्रिंग के सहारे भी कहीं पर टांग सकते हैं, लाइक को एंट्रेंस के पास, डोर के पास, जहां पर भी आपको टांगना है। मुझे इस बोर्ड के पास जरूरत लगा तो यहाँ पर एक कांटी भी था, उसमें सिंपली टांग दिया मैंने। आप चाहें तो अपने डोर के पास लगा सकते हैं, मेरे पास फिलहाल डोर के पास कांटी नहीं है। आप किसी भी एंट्रेंस वगैरह के पास यूज कर सकते हैं भाई, रस्सी की भी मदद से और इसके मेटल और ग्लू वाले एक्सेसरीज के साथ भी। कितना बढ़िया है। तो सिंपली पीछे से स्टिकर छोड़ाएं और उसके बाद फिर इसको जहां पर भी चिपकाना है यार चिपका दो, जहां पर भी कहीं भी चिपक जाएगा ये, और उसके बाद इसको सिंपली रख दो। दैट्स इट, हो गया काम। चार्ज लगाना है तो इसको निकाल लो और अपने किसी भी चार्जर से इसको चार्ज कर लो, पावर बैंक, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर। टाइप सी केबल आपको मिल गया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इसे चिपकाने और टांगने के लिए। अब आते हैं लाइट के ऊपर। तो ये देखो भाई, प्यारा सा एक कूल सा दिखने वाला ये लाइट। यहाँ पर इसका सेंसर है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से ये काम करता है। आप देख सकते हैं इसका सेंसर यहाँ पर है, तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं या फिर आप इसे ऑन कर सकते हैं। अगर आप ऑन पर रखेंगे तो आपका सेंसर काम नहीं करेगा, बल्कि ये ऑन रहेगा। लेकिन आप अगर ऑटो पर रखते हैं यानी बीच में, तो आपका सेंसर एक्टिवेटेड हो जाता है। अब अगर हम 20 सेकंड तक इसे ऐसे ही छोड़ दें और या फिर हम लोग मूवमेंट करना बंद कर दें 20 सेकंड तक, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने लाइट को नीचे रखा है, अब वेट करते हैं। तो यहाँ पर लाइट हो चुका है ऑफ और अभी जो है मेरे PC के स्क्रीन का था, और अभी देखो मेरे हलचल होते ही ये लाइट जल चुका है। आप लाइट की इंटेंसिटी देख सकते हैं, सॉफ्ट सा लाइट है यार, बहुत प्यारा सा लाइट है। तो ये डिवाइस वाकई में शानदार है यार। अगर आप चाहते हैं कहीं पर भी सेंसर वाला लाइट लगाना जो कि आपके आने या जाने से बंद हो जाए या चालू हो जाए, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है। एक बढ़िया सा प्रोडक्ट है, नन्हा सा डिवाइस जो कि एक सॉफ्ट सा लाइट देता है, जो कि मैं चाहता था, क्योंकि मुझे इस सॉफ्ट लाइट की जरूरत थी ताकि मैं अपने वर्क रूम पर इसे लगा सकूं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।